हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। और दोस्तों, आज हम जानेंगे मापनी यानी स्केल, जो कि आपकी कार्टोग्राफी या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके बारे में क्वेश्चंस हैं, वो आपके नेट जीआरएफ एग्जाम हो, सेट एग्जाम हो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, या फिर आपकी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, या कॉलेज लेक्चर एग्जाम हो, पीजीटी हो, इन सभी में इससे क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आपके बनता है। तो आज की इस क्लास में हम इस मापनी के टॉपिक और उससे रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मापनी। इससे पहले हम मापनी को जाने, मैं आपको बता दूं, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, के द्वारा जून 2023 में नेट जेआरएफ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक बैच है वो प्रारंभ किया गया है। जून 2023 का न्यू फ्रेश बैच नेट जेआरएफ के लिए, जिसमें आपको मिलेगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पेपर टू ज्योग्राफी और पेपर वन, जो कॉमन पेपर है, इन दोनों की क्लासेज। साथ ही साथ ये जो क्लासेज हैं वो लाइव क्लासेज रहेगी। कार्ड आपकी क्लाइमेटोलॉजी और अधिवास भूगोल से आपकी लाइव क्लासेज प्रारंभ है। उससे अलावा रिकॉर्डेड क्लासेज, जो प्रीवियस ईयर बैच की जितनी भी क्लासेज है, वो आपको वहाँ पर मिलेगी। और ये जो लाइव क्लासेज हैं वो भी आपके रिकॉर्डेड सेशन में सेव होती जाती है। इस पूरे पैक में आपको 17 बुकलेट जो है हार्ड कॉपी के रूप में आपकी जो होम एड्रेस है वहां पे डिलीवर कराई जाएगी। नोट्स की बुकलेट, यानी आपको नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा ये जो 17 बुकलेट है वो आपके भूगोल विषय से संबंधित रहेगी, ज्योग्राफी से रहेगी। इसमें आपके टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट सीरीज, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे, विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको ये अवेलेबल रहेंगे। तो ये पूरा जो कोर्स है वो आपको मात्र, अगर आप वैसे लेते हैं तो ये 5999 में अवेलेबल रहता है, जिसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन क्लासेस सभी हैं। पर आपको ये पे नहीं करना है, आप सिर्फ 3500 यानी 3500 रुपये में आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पेपर वन, पेपर टू की क्लासेस, पेपर टू भूगोल के नोट्स हार्ड कॉपी के रूप में, और उसके अलावा आपकी प्रीवियस ईयर पेपर विथ सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्मेट में, और टेस्ट सीरीज, ये सभी यानी कंप्लीट पैकेज आपका इसमें आ जाता है। और इसके बाद में आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, बस शिद्दत से मन लगाकर आपको है वो तैयारी करने की जरूरत है। तो अपने सभी प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन आप पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आरपीएससी जो स्कूल लेक्चर एग्जाम है, उससे नोट्स 6 बुकलेट में, जिसमें आपका भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, प्रायोगिक भूगोल, मानव भूगोल और भौगोलिक विचारधाराओं से संबंधित है। तो 6 किताबें हैं जिनकी डेमो क्लासेस, डेमो नोट्स है, वो आप हमारे पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर जाकर देख सकते हैं, या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7333998354 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आपके नेट जेआरएफ के 17 बुकलेट के नोट्स है। अगर आप अलग से चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ नोट्स चाहिए, क्लासेज नहीं चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 2000 रुपये में आपके ये अवेलेबल रहने वाली है। चलिए, तो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन वेल्थफुल रहेगी और आप अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ देंगे। तो मापनी के बारे में जानते हैं, मापनी क्या होती है, किस तरह से ये कार्य करती है। तो मापनी से पहले हम मानचित्र के बारे में जानते हैं। जो मानचित्र है वो इस धरातल, इस पृथ्वी का एक प्रोजेक्शन है, एक उसका समरूपीय क्षेत्र है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि मुझे राजस्थान का मैप बनाना है या मुझे भारत का मैप बनाना है, और मैं भारत के बड़ा जितना बड़ा पेज अगर लेके चलूं, तो ये पॉसिबल भी नहीं है बनाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो धरातल इतना बड़ा है, उस धरातल को इतने से क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ ये जो धरातल है, ये जो पृथ्वी है, वो किसमें है, 3D फॉर्मेट। 3D यानी त्रि आयामी, इसमें ऊंचाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, और इसमें
लंबाई भी है। लेकिन जब हम मानचित्र की बात करते हैं तो ये द्विआयामी होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, इसमें ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा मानचित्र है। अब इस बड़े को छोटे में लाने के लिए, है ना, धरातलीय विशेषताओं को पेपर पे व्यक्त करने के लिए, 2D में व्यक्त करने के लिए, उसे छोटा बनाने के लिए हम मापने का प्रयोग करते, जिससे हम उन धरातलीय विशेषताओं को उस मानचित्र में देखकर आसानी से पहचान सके। जैसे आप फोटो लेते हैं, है ना, मोबाइल में, और आजकल का प्रचलन तो है ही सेल्फी लेने का। तो सेल्फी लेते हैं तो हम अपने पूरे शरीर को, मतलब अपनी पूरी बॉडी का सेल्फी ले, ठीक है, तो मोबाइल इतने जितना बड़ा थोड़ी है, लेकिन आप अपने फोन में जितनी भी फोटोज हैं उसको देखकर पहचान सकते हैं आप कैसे लग रहे हैं। क्यों पहचान सकते हैं कि ये आपकी फोटो या किसी दूसरे की फोटो है? क्योंकि वो जो पैमाना है, मापनी है, उस मापनी के अनुसार ली गई फोटो है। आप यहाँ से उभरा हुआ है तो उसमें उभरा हुआ दिखता है, यहाँ यहाँ से डार्क है तो उसमें डार्क दिखता है, तो वो सभी चीजें उसी पैमाने के आधार पे ली जाती है। तो मापने का प्रयोग भी हम इसी संदर्भ में करते हैं कि हम मानचित्र को की सहायता से धरातलीय विशेषताओं को आसानी से पहचान सके, इसी संदर्भ में हम मापने का प्रयोग करते हैं। तो मापने वह भाग है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग का आवश्यकता अनुसार मानचित्र बनाकर क्या किया जा सके, प्रदर्शन किया जा सके, और उस मानचित्र की सहायता से दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी भी पहचानी जा सके। दो स्थानों के मध्य की क्या पहचानी जा सके? दूरी। यानी मानचित्र पर जितनी दूरी है उसी अनुपात में, मानचित्र पर जितनी दूरी है उसी अनुपात में धरातल पर दूरी भी होती है। तो यही अपनी क्या है, मापनी होती है। सामान्यतः हम इसे ऐसे बोलते हैं कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर धरातल पर कितने भी सेंटीमीटर जो हम मापनी ले उससे बराबर हम मापनी मानते हैं। तो ये जो मापनियां है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। पहली कौन सी? कथनात्मक, स्टेटमेंट। दूसरी कौन सी? निरूपक, रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम RF के रूप में भी जानते हैं। और तीसरी कौन सी है? रेखात्मक या आलेखी मापनी। कौन सी? रेखात्मक या आलेखी मापनी, वो तीसरे प्रकार की है। तो कथनात्मक मापनी में क्या होता है? इसमें हम बोल देते हैं कि भाई साहब ऐसा है, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर होगा, क्या होगा? बराबर होगा धरातल पर 10 मीटर के। तो ये जो आपने माना, ये आपने जो बोल दिया कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर 10 सेंटीमीटर, यही आपकी क्या है, मापनी है। कौन सी मापनी? कथनात्मक मापनी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान होती है, समझने में आसान है। आपको समझ में आ गया ना कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर और धरातल पर 10 मीटर के बराबर है, तो ये आसानी से समझ में आ गया और ये आसान भी होती है। लेकिन इसमें समस्या है। क्या समस्या है? इसे सही ढंग से समझने के लिए, इसे सही ढंग से व्यक्त करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए मीटर क्या है। अगर मैंने गज बोल दिया तो, अगर मैंने फलान बोल दिया तो, तब ये समस्या है वो उत्पन्न करता है। वैसी स्थिति में हमें मापनी दूरी का सही ढंग से ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरी पर, इसका दोष क्या है? जब मेरा मानचित्र इतना सा है तब तो कोई समस्या नहीं है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर है धरातल पर 10 मीटर के, लेकिन मैंने मानचित्र को क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। तब ऐसी स्थिति में मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर 10 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। क्यों? वैसी स्थिति में मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर 5 सेंटीमीटर ही होगा ना, क्योंकि मैंने मानचित्र डबल कर लिया। तो मापनी क्या हो जानी चाहिए? बड़ी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वो 5 सेंटीमीटर रह जाना चाहिए। तब ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये आपके कथनात्मक मापनी काम में नहीं आती। इसमें तो एक बार जो मानचित्र जिस नाप से आपने बना दिया ना वही सही है, फिर बड़ा और छोटा करोगे ना तो मापनी की जो चेंज है वो निश्चित रूप से होगा और फिर पूरा मानचित्र गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सही भी है लेकिन इसमें बहुत जगह समस्याएं भी देखने को मिली।
अगर भारत में जो भूसम्मित मानचित्र होते हैं ना, उनको बनाने के लिए कथनात्मक मापनी का प्रयोग किया जाता है। कौन से मानचित्र? भूसम्मित मानचित्र बनाने के लिए कथनात्मक मापनी का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम दूसरी मानचित्र, कौन सी? निरूपक भिन्न मापनी पर। जो कौन सी आपकी? निरूपक भिन्न या प्रदर्शित भिन्न, और जिसे हम आरएफ के रूप में भी जानते हैं। ये क्या होती है? ये अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है। भिन्न है ना, तो ये किस में दर्शाई जाती है? अनुपात के रूप में। अनुपात कैसा? मानचित्र पर दूरी और धरातलीय दूरी के बीच का अनुपात के रूप में ये व्यक्त की जाती है। अब अनुपात यानी 1:1 समथिंग, जैसे मैं मान लू 100, ठीक है, यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर धरातल पर 100 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है, अनुपात में व्यक्त कर रहे हैं। फिर अगर इसको हम अनुपात को हम 1/100 भी लिख सकते हैं ना, अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं। बटा में लिखते हैं तो मतलब ये कौन सा हो जाता है? अंश। और नीचे कौन सा हो जाता है आपका? हर। तो अंश और हर में भी बांट सकते हैं, यानी ये अंश और हर के रूप में होती है। अब अंश क्या होता है आपका? अंश जो होता है हमेशा इस मापनी में, वो क्या होता है? अंश होता है मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी, और हर क्या होगा? हर क्या होगा? अंश तो हो गया मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी, और हर होगा उन्हीं दो स्थानों के बीच धरातल की दूरी, यानी उन्हीं जिन मानचित्र पर माप रहे हैं ना, उन्हीं दो दो स्थानों के बीच धरातल के बीच की जो दूरी है वो आपका हर होता है। यानी 1:100, तो एक जो हमेशा होगा वो आपका क्या होगा? माप कौन सी दूरी? मानचित्र पर दो ही बिंदुओं के बीच की दूरी। और ये आपका 100 जो होगा, जो अनुपात के इस साइड होगा, वो हमेशा क्या होगा? धरातल पर उन दोनों स्थानों के बीच, कौन से दोनों स्थान? जिनके मध्य दूरी मानचित्र पर मानी है, उनके बीच की जो वास्तविक दूरी है वो किस में आती है? 100 में आती है, ठीक है। तो ये हमें इसमें देखना होता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अंश है सदैव और हर वास्तविक दूरी को दर्शाता है। इस विधि का प्रयोग दीवारी और स्थलाकृति मानचित्र में बनाने में ज्यादा होता है, और ये सबसे अच्छी विधि है। और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? मानचित्र को बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बराबर नहीं माने, अनुपात के रूप में मान रहे हैं। किस रूप में मान रहे हैं? अनुपात के रूप में जो दूरी है, जो उन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है, धरातल और मानचित्र के बीच में जो दूरी में अंतर आ रहा है, उसे अनुपात के रूप में मान रहे हैं। जैसे जैसे आप अनुपात बढ़ाओगे मानचित्र बढ़ जाएगा, और कम करोगे तो कम हो जाएगा। तो ये अनुपात के रूप में होने की वजह से हम इसकी सहायता से मानचित्र को बड़ा और छोटा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर रेखात्मक मानचित्र होता है, जिसको बनाने के लिए निरूपक भिन्न का निकालना आपको आना चाहिए, और उसी के साथ हम एक रेखा चित्र खींचते हैं, और उसमें प्राथमिक और द्वितीयक मापनी का प्रयोग कर हम रेखात्मक मापनी बनाते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेखात्मक मापनी बेसिकली आपने सबने बनाई होगी, है ना। एक लाइन होती है जिसमें आप 0 से चालू करते हैं, फिर 3, 6, 9 और 12, और इधर गौण मापनी लेते हैं, है ना, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसे बांटते हैं, दो भागों में काटते हैं, ऊपर काला नीचे काला, जो प्रैक्टिकल फाइल जब हम बनाते हैं तो वैसी। तो ये रेखात्मक मापनी है, इसे हम रेखात्मक मापनी को 4 भागों में है वो हम सामान्यतः बांटते हैं, सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी और विशिष्ट मापनी। तो इन सभी मापनियों को बनाना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ साथ इसको किस तरह से सोल्व क्वेश्चन आते हैं उनको वो
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अब हम ये तो ये कौन सी आपका आरएफ और एक आपके जो कथनात्मक मापनी है, उन दोनों से रिलेटेड 10 जो क्वेश्चंस हैं उनको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो निरूपक भिन्न है उससे संबंधित एक और स्टेटमेंट है, एक और चीज है क्या कि निरूपक भिन्न में जो मापनी प्रयोग में की जाती है उसमें दो प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है दूरी को ज्ञात करने के लिए। पहला तो कौन सा है, मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली यानी मीटर में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। इसमें ये भारत ने 1957 में अपनाई थी। तो ये तो कौन सी प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली। और एक कौन सी प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली। फुट, गज, यार्ड, फलांग है ना, और माइल। तो ये कौन सी प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली। इन दोनों से संबंधित दूरियों का आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो मीट्रिक प्रणाली सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि में दर्शाई जाती है। 1957 में भारत ने इसे अपनाया। तो जब हम मीट्रिक प्रणाली की बात करते हैं तो सबसे छोटा कौन सा है, मिलीमीटर। सबसे छोटा कौन सा है, मिलीमीटर। और 10 मिलीमीटर बनकर आपका 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। 10 मिलीमीटर बनकर आपका क्या बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। और इसी क्रम में चलते जाएं तो 10 सेंटीमीटर बनकर आपका 1 डेसीमीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेसीमीटर बनाते हैं। कितने, दस सेंटीमीटर बनकर आपका 1 डेसीमीटर बनाएंगे और 10 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर हो जाएंगे। क्यों, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में 10 × 10 तो 100 मिलीमीटर, यानी 100 मिलीमीटर मिलकर आपका 1 डेसीमीटर बनाएंगे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पूरी प्रणाली को देखते हैं, सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, फिर 10 डेसीमीटर 1 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे या 1000 मिलीमीटर हो जाएंगे। फिर 10 मीटर बनकर 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर और 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। फिर 10 डेकामीटर मिलकर आपका बनाएंगे 1 हेक्टामीटर, 10 डेकामीटर के मिलकर क्या बनाएंगे, 1 हेक्टामीटर आपका बनाएंगे। फिर 10 हेक्टामीटर मिलकर आपका 1 किलोमीटर बनाएंगे, और 1 किलोमीटर में आपका 100 डेकामीटर होता है, 10,000 डेसीमीटर हो जाता है, और 1 लाख है वो सेंटीमीटर हो जाता है। तो दोस्तों इस जो पैमाना है, ये जो मापनी है, ये जो स्केल है, इसे आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, है ना। और अगर आपको इसे पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं चलूं मीट्रिक प्रणाली, ब्रिटिश, ओ सॉरी, ब्रिटिश प्रणाली पे, तो ब्रिटिश प्रणाली में क्या चलता है, फुट, और फुट से छोटा होता है इंच, है ना। तो 1 इंच सबसे छोटा, फिर 12 इंच मिलकर बनाते हैं क्या, 12 इंच मिलकर बनाएंगे आपका 1 फुट, 3 फुट मिलकर बनाएंगे आपका 1 यार्ड या गज, है ना, और 3 फुट में कितने हो जाएंगे, 36 इंच, 220 गज मिलकर आपका बनाते हैं क्या 1 फरलांग, और 1 फरलांग में 660 फुट हो जाएंगे और 7,920 इंच हो जाएंगे। उसी तरह 8 फरलांग मिलकर आपको बनाएंगे 1 माइल या मील, इसमें आपके 1760 गज हो जाएंगे, 5,280 फुट हो जाएंगे और 63,360 इंच आपके 1 माइल में हो जाते हैं। तो ये मापनी, ये जो डिटेल है वो आपको अच्छे से याद करनी, क्योंकि क्वेश्चन आता है वो मोस्टली यहीं से आता है। कैसे आते हैं क्वेश्चन, इसे अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको दे रखा है कितना, 1.8 किलोमीटर में डेसीमीटर बताना है, 1.8 किलोमीटर में कितना बताना है, डेसीमीटर बताना है। तो अब मैं बताता हूं कि 1.8 किलोमीटर बराबर डेसीमीटर कितना होगा। तो अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो 10,000 डेसीमीटर होता है। कितना, 10,000 डेसीमीटर,
उस पैमाने को अगर हम अच्छे से याद करें तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 10,000 डेसीमीटर। ठीक है, अब 10,000 डेसीमीटर जब ये हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1.8 किलोमीटर बराबर 1.8 × 10,000। जब बड़ा करना है ना, तो इंटू हो जाता है, जब छोटा करना है तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 डेसीमीटर। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 18,000 डेसीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही आसान है, सीधा सीधा हमें इसे कर लेना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 26,700 मिलीमीटर में मीटर कितने हैं, यानी ये छोटा है वो बड़ी है, तो भाग जाएगा या इंटू होगा, भाग जाएगा। ठीक है, कितने का जाएगा, मिलीमीटर और मीटर में क्या संबंध है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मिलीमीटर में कितना होता है, यहां पे देखो, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर है, 1,000, कितना, 1,000 मिलीमीटर है। तो भाग किसका जाएगा, 1,000 का जाएगा, तो 26,700 बटा 1,000। तो यहां पे जो भी आएगा वो आंसर किसमें आएगा, मीटर में आएगा। कितना आ जाएगा, 26.7 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जब हमें छोटी राशि को छोटा पैमाना है, इसको बड़े में चेंज करना है, तो भाग जाएगा जो भी अनुपात है, और अब जब हमें बड़े को छोटे में चेंज करना है, तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाता है, 5,040 इंच में गज कितने होंगे, बताओ 5,040 इंच में गज कितने होंगे। अब गज और इंच का क्या संबंध है, एक 12 इंच में होता है 1 फुट, और 3 फुट में होता है आपका 1 गज। ठीक है, तो 3 × 12 कितने हो गए, 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36 ही होगा, यानी 1 गज में कितने हो गए, 36 इंच। भाग किसका जाएगा, 36 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 36, 140, 36 एक, एक सौ चालीस के आसपास इसका आंसर है वो आ जाएगा। कितने गज हो जाएगा, 140 गज इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है वो शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को और भी ज्यादा मिलेंगे, कि एक मानचित्र है और उस मानचित्र की मापनी कितनी है, 1:40,000 का जो भिन्न है, RF है, उस पर ये मानचित्र बनाया गया है। तो मानचित्र द्वारा दर्शाई गई 5 सेंटीमीटर की दूरी किलोमीटर में कितने धरातलीय दूरी के बराबर होगी। बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है ना। तो RF कितनी है हमारी, RF है इसमें 1:40,000। ठीक है, यानी मानचित्र पर 1 किलोमीटर बराबर धरातल पर 40,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर 5 × 40,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 5 × 20, तो 2 लाख सेंटीमीटर। 2 लाख सेंटीमीटर है दूरी, हमें किसमें निकालनी है, किलोमीटर को, तो छोटे सेंटीमीटर बदलना किसमें, किलोमीटर यानी बड़े में, तो इंटू हो गया, भाग जाएगा, भाग जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर, कितने, 1 लाख सेंटीमीटर। तो 2 लाख में बात चला जाएगा किसका, 1 लाख सेंटीमीटर, ये 0 से 0 गया, कितने आ गए, 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 किलोमीटर यहां पे आंसर
आ जाएगा। तो मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो किलोमीटर में 2 किलोमीटर को दर्शाएगी, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर आते हैं नेक्स्ट, मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी निरूपक भिन्न 1:30,000 की कितने धरातलीय दूरी के बराबर है, इसमें हम मीटर कर देते हैं मीटर में, ठीक है? तो आरएफ कितना है, 1:30,000 मानचित्र पर 1 30,000 सेंटीमीटर दर्शाता है, तो धरातल पर 15 सेंटीमीटर, मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर धरातल पर 15 × 30,000 को दर्शाएगा, कितने हो जाएंगे, 15 × 45, 45,000, 15 सेंटीमीटर, ठीक है? तो धरातल मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर है वो धरातल के 45,000 सेंटीमीटर को दर्शाएगा। और अब हमें इसे चेंज करना है मीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग इसमें चला जाएगा बटा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 450 मीटर इसमें आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 850 मीटर इसमें आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? फिर चलते हैं नेक्स्ट, वास्तविक मानचित्र को छोटा या बड़ा करने पर बदल जाती है, पर यह है बदल जाती है, तो कौन बदल जाता है, कथनात्मक मापनी, निरूपक, रेखात्मक या तुलनात्मक मापनी। तो ऐसा तो हमने इतना ही पढ़ा है, कौन सा है, कथनात्मक मापनी है, वो बदल जाती है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, निरूपक भिन्न में हर वह अंश प्रदर्शित करते हैं, हर वह अंश प्रदर्शित करते हैं, अंश मानचित्र पर दूरी और हर धरातल की वास्तविक दूरी, अंश धरातल की दूरी और इसमें भी अंश मानचित्र की दूरी, अंश धरातलीय दूरी और हर मानचित्र की लंबाई, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, अंश 1/100, तो ए क्या है अंश, ये क्या है हर, अंश है वो किसे दर्शाता है, मानचित्र की दूरी और हर है धरातल की वास्तविक दूरी को दर्शाने का कार्य इसमें होता है। 1 किलोमीटर की दूरी सेंटीमीटर में हमें पता कितने हैं, 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर, ये आया हुआ है क्वेश्चन। फिर 1 मील की दूरी इंच में, 1 मील में इंच कितने होते हैं, कितने, 63,360 इंच है वो इसमें होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, है ना, हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉरी सॉरी, मानचित्र पर 10 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर की बराबर है, आरएफ कितना होगा, यानी मापनी कितनी होगी, ठीक है? ये हमें बताना है, तो हम निकालते हैं क्या, आरएफ जब हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों, जब हम आरएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1/समथिंग, एक यानी धरातल की दूरी, इसे हमें ए, वो मानचित्र की दूरी है ना, सॉरी, 1 बराबर मानचित्र की दूरी, और इसे हमें हमेशा सिंगल ही रखना है ना, और 100 बराबर धरातल की, तो हमें पता है मानचित्र की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, अनुपात या बराबर धरातल पर कितनी दूरी है, 50,000 सेंटीमीटर, ठीक है? दोनों बराबर है, चेंज करना नहीं है दोनों से, दोनों के अब 10 को 1 बनाना है, 1 ही रहने देंगे, और ये पश्चांतर होके इनटू में है तो किसमें चला जाएगा, भाग में, कितना गया, 0 से 0, तो
एक अनुपात 5000 वाली आपकी आरएफ हो जाएगी, एक अनुपात 5000 वाली आरएफ आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। इससे हम एक और क्वेश्चन है वो इसमें देखते हैं। अगर मानचित्र पर पास सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 20 मीटर के बराबर है, तो आरएफ बताएं। तो ये इस स्थिति में क्या होगा, 5 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। अब दोनों तरफ गड़बड़ है, इधर सेंटीमीटर उधर मीटर है, तो मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 20 मीटर सेंटीमीटर में किससे इंटू हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 20 × 100 कितने हो गए, 2000 मीटर, 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2000 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर के। अब इस 5 को तो 1 बनाना है, 2000/5, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 400। तो मापनी कितनी हो जाएगी, 1:400, यानी धरा मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है धरातल पर 400 सेंटीमीटर की। तो इस तरह के आपके ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे, आनंद भी आया होगा, अच्छा लगा है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी ग्रुप में ज्योग्राफी से रिलेटेड दोस्त हैं उनको शेयर करें, उनको बताएं, ठीक है। और साथ ही जून 2023 का जो बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, पेपर 1, पेपर 2 सब कुछ मात्र 3500 रुपये में नाममात्र के शुल्क में अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी अवेल करें, ऑफर छूटने ना दें, फिर बाद में आपको इसका ज्यादा पेमेंट भी देना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।